हाय, आज हम बनाएंगे मिल मेकर या सोया चंक का बिरयानी। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले 1/4 टेबल स्पून शाहजीरा, 1.5 इंच चकला, 2 इलायची, 2 लौंग, स्टार एनस है, फ्लावर, 5 से 6 काली मिर्च, 2 या 3 बेलीफ, ये सारे चीज़ हम एक पोटली में इस तरह, देखिए मैंने एक साइड पे इसको सी लिया है, इस तरह एक पोटली में सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट वाटर में भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने दूसरे तरफ भी पोटली को सी लिया है, इस तरह हम वाटर में डालेंगे। मैं यहाँ पर 3 कप्स चावल ले रही हूँ, इसीलिए 5 कप्स वाटर लिया है। 1 टेबल स्पून रॉ साल्ट या फिर आयोडीन वाला डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ताकि खुला खुला रहे चावल जो है। अब इसको हम उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। ये वाटर जो है मैंने चावल को सोक किया हुआ वाटर ही लिया है। देखिए वाटर बॉईल होने लगा, अब हम फ्लेम को डाउन कर लेंगे और अपने 1/2 आवर से सोक किए हुए चावल लेंगे। इस तरह हम हाई फ्लेम पे चावल को पकाते जाएंगे जब तक ये 3/4 तक पकना जाए। अब जब तक चावल पक रहा होता है तभी हम दूसरा वेसल गर्म करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करेंगे। अब इसमें लंबे कटे हुए 1 कप ऑनियन डाल देंगे और ट्रांसपेरेंट होने देंगे। फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है। इसमें थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे, करी पत्ते जो है ऑप्शनल है। 2 स्लिक के ग्रीन चिली डालेंगे, चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। जब ऑनियन गोल्डन कलर हो जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को अभी मैंने डाउन कर लिया है क्योंकि ये छिड़कता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर डालेंगे। अगर बिरयानी मसाला पाउडर नहीं है तो आप गर्म मसाला डाल सकते हैं, वरना आप जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने चावल में रखा था, मतलब बिरयानी के जो भी फ्लेवर्स होते हैं, बेलीफ, स्टार एनस, ये सारे फिर से डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम रख लेंगे। यहाँ पर देखिए चावल जो है पक चुका 3/4। इस तरह लेंगे थोड़ा सा और दबाकर देखेंगे, आसानी से कट हो जाना चाहिए। अब हम ये चावल को स्ट्रेन कर लेंगे और ये पोटली को निकाल कर फेंक देंगे। अब इसमें सोया चंक डाल देंगे। सोया चंक को मैंने गर्म पानी में 2 मिनट के लिए रख लिया था। फ्लेम बंद करने के बाद 10 मिनट के बाद ये फूल जाएंगे। सारा वाटर मैंने निकाल लिया है स्क्वीज करके। अब इसको हम सिम पे 2 मिनट के लिए चलाएंगे, सोया चंक और सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे क्योंकि हम टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। खटास लाने के लिए 2 या 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब एक बार इसको मिलाएंगे और जब तक दही से जो निकला हुआ वाटर होगा वो सारा एवोपरेट ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैं सिम पे पका रही हूँ बिना कवर किए हुए। यहाँ पर ग्रेवी जो है थिक होने लगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है ताकि जल्दी एवोपरेट हो जाए। अब इसमें हम थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। अगर आपके पास मिंट लीव्स है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अब फ्लेम को डाउन कर लेंगे फिर से और अपना स्ट्रेन किया हुआ चावल डाल देंगे। मैं यहाँ पर 2 कप्स बासमती और 1 कप नॉर्मल वाला चावल ले रही हूँ। इवन से स्प्रेड कर लेंगे और इसमें फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है। मैंने 1/4 टेबल स्पून फूड कलर में 1/2 टेबल स्पून मिल्क मिलाया था। अब इसको कवर 15 मिनट्स के बाद देखिए हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से सारा चावल जो है मिला लेंगे। देखिए बन गया हमारा वेरी सिंपल मिल मेकर पुलाव। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं थोड़ा सा इस टाइम पे। ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव अवेलेबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।